अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और मेरे साथ हैं सैयद अरमश अली शाह। आज 1 जनवरी 2021 है और नया साल लग गया 2021 का। होपफुली हमारे लिए ये अच्छा साबित हो। तो 2021 के फर्स्ट ट्रिप पर हम लोग निकल रहे हैं, इसकी तैयारी है हमारी। तो अभी हम कराची से निकलेंगे और तरबेला के लिए फैसलाबाद हमारा थोड़ा सा स्टॉप होगा और वहाँ से होते हुए कल इंशाल्लाह तरबेला पहुँचेंगे। नॉन स्टॉप हम जाएंगे, फॉग बहुत है रास्ते में। तो आज तो क्लास सुनने में यही आ रहा है कि थोड़ा क्लियर है, हाँ, तो लेकिन अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। आज फर्स्ट जनवरी है 2021 और रात के इस वक्त तकरीबन 10:15 का टाइम है, तकरीबन 10:30 हो रहे हैं इस वक्त जी। तो अभी हम थोड़ी देर तक बस निकलते हैं, तो आप लोग बस साथ रहें और चलते हैं। तैयारी है हमारी और अरमश आप जरा गाड़ी का टूर दीजिए जी। गाड़ी तो ये जो है, हमने गाड़ी फिलहाल ली है। पिछली दफ़ा जो हम गए थे वो फील्डर में गए थे, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि फील्डर के अलावा हम किसी और गाड़ी में जाके देखें। तो हम जो है इस वक्त हमने ये ली है टोयोटा करोला, 2019 की टोयोटा करोला है, मैनुअल ट्रांसमिशन जी 1.3। तो इस गाड़ी में जो है वो हम ये ट्रिप करने वाले हैं। सामान वगैरह अंदर से आप ये देखें कि सामान वगैरह हमने गाड़ी में सब जमा दिया है, चार्जर्स वगैरह हमारे लगे हुए, डैश कैम, ये डैश कैम है, लॉस्ट सैटेलाइट रिसेप्शन, जीपीएस, वो हमने जीपीएस लगा दिया है, ये डैश कैम है जिससे हम आपको डैश कैम की वीडियोस जो है वो बना के दिखाएंगे। उसके अलावा जो है ये पीछे खाने वगैरह का सामान है, और सामान जो है वो हमारा कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन ये है कि ये चार्जर्स वगैरह, ये कोट वगैरह, ये वो रखे हुए हैं हमने, पीछे भी सामान है। तो ये से भी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं सारा सामान जो भरा हुआ है, इवन तक कि हमने ये चूल्हा भी रखा हुआ है, जैसे कहीं होता है कि हीटर वगैरह जो है वो बंदा लगा लेता है, क्योंकि उस कहीं चाय वाय वगैरह बनाने का प्रोग्राम हो तो वो भी हो जाए, नॉर्दर्न एरियाज में जो है सर्दी वगैरह होती है तो उसकी वजह से। तो ये डिक्की में भी सामान को यहाँ से चलने की करते हैं और फिर आपको हम आगे बताते हैं। तो बस जी व्यूअर्स, साथ रहिए, फिर अभी हम चलते हैं। तो देर तक हम ऐसे निकलते हैं और फिर हम आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। ये इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और घर से हम लोग रवाना हो गए, सोराब गोट की तरफ जा रहे हैं। सोराब गोट में हम टॉप अप करेंगे, रात का वक्त है। असल में हम इस वजह से लेट निकले हैं कि जब हम मोटरवे पर एंटर हों सखर से तो मोटरवे खुली मिले, फॉग की वजह से बंद ना हो। मोटरवेज आजकल बंद भी हो रही हैं, तो ये मामला है। आजकल सुबह के टाइम जो है वो धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो मोटरवेज जो है वो बंद हो जाते हैं। ये हमने जीपीएस भी लगाया हुआ है एक्स्ट्रा नेविगेशन के तौर पर। वैसे तो गाड़ी के जो नॉर्मल पैनल है इसमें है जीपीएस साइजिक, लेकिन नॉर्मली जो है हमने गार्मिन का हमने लगाया हुआ है फर्दर पास ट्रस्टवर्थी जी। तो देखते हैं अब इसमें, अभी हम इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं आपको कि हमने कहाँ जाना है। कराची से चले हैं अभी हम, 1800 किलोमीटर तकरीबन सफ़र करके तरबेला जाएंगे। तरबेला हमारा स्टे होगा, पहले भी तरबेला स्टे था, लास्ट ट्रिप में भी जो हमारा अक्टूबर 2020 का था, इसमें भी तरबेला ही स्टे होगा। और वहाँ से फिर हम आपको बताएंगे कि अब हमारा क्या प्लान है, फर्दर हमें किस तरफ जाना है नॉर्थ में। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्थ का तो है हमारा प्लान, ये है एक बस ही आप लोगों के लिए हिंट है कि ये अब आगे आप फ्यूल के उधर पर रमेश आप बनाना। ये अभी हम सोराब गोट पीएसओ पर हैं और नॉर्मल पेट्रोल लगवा रहे हैं अभी हम लोग, 106 रुपये, कल ही माशाल्लाह से 2 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है और गाड़ी में खुद ही पेट्रोल जा रहा है। तो इसके बाद फिर हम निकलते हैं रवाना। पेट्रोल जी अभी हमने डलवा लिया है ये पीएसओ से, अराउंड हाफ टैंक तो गाड़ी में पहले से ही था, तो अभी जो है हम रवाना होते हैं। ये आपका नॉर्मल आगे जो है वो सुपर हाईवे जो आगे मोटरवे को कनेक्ट होता है वो जा रहा है,
पेट्रोल जो है अभी हम डाल चुके हैं, तो बस अभी चलते हैं आगे। M9 मोटरवे कराची हैदराबाद, इसका टोल प्लाजा है, यहाँ से हम अभी काट लेंगे और हैदराबाद के लिए फिर निकलेंगे। ये चल जाएगी पर्ची, ये 270 रुपीज़ हमने यहाँ पे टोल दिया है, कराची हैदराबाद टोल 270 दिया है। अब जो है इसके बाद फिर आगे हम फर्दर नॉर्मल नेशनल हाईवे के जरिए जो है आगे मोड़ वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। ये अभी जो है तकरीबन 3:30 बज रहे हैं रात के, और ये डाइवो का स्टॉप है मोरो पर ना, तो मोरो हम लोग घूम चुके हैं, मोरो पर अभी हम लोग रुके हुए हैं और ज़रा थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह से हो के रिफ़्रेशमेंट जो है वो ज़रा ली है, चाय वगैरह पी रहे हैं। तो अब यहाँ से अच्छा साफ सुथरे वॉशरूम है, अच्छा स्टॉप बना हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो है आपका बाइकों का पंप है, मोरो बाईपास पे हाईवे जा रहा है, डाइवो एक्सप्रेस मोरो बस थोड़ा सा ये डाइवो का जा रहा है, बाकी जो है अब आगे। ये अभी जो सेक्टर बाईपास है और यहाँ से जो है अभी हम सेकंड टैंक गाड़ी का फुल करा रहे हैं पेट्रोल का, करा रहे हैं पेट्रोल का। ज़रूरत तो वैसे नहीं थी लेकिन उसके हिसाब से जो है तो कहते हैं कि आगे जो है वो हमें सकर मुल्तान मोटरवे चढ़ना है, तो जिसकी वजह से टैंक जो है वो गाड़ी का फुल होना चाहिए। अभी भी बारल गाड़ी में क्वार्टर बाकी था, तो अब देखते हैं गाड़ी में कितना लीटर आता है और फिर आगे सकर मुल्तान मोटरवे चढ़ते हैं। अभी तो इनफैक्ट हमें मोटरवे की भी सिचुएशन पता नहीं है क्योंकि रात हो रही है, यूजुअली मोटरवे फॉग की वजह से बंद हो जाते हैं, तो अभी हमें मोटरवे की सिचुएशन भी नहीं पता है। मोटरवे की तरफ भी ज़रा जाके देखते हैं कि खुला है या बंद है।
सुल्तान मोटर पे रेंट पे है, आगे से इन्होंने जो बंद किया वो आगे से मुड़ कर आना होगा। सखर मुल्तान मोटरवे जो है अभी हमने एग्जिट किया है, ये मुल्तान वार की साइड पे टोल प्लाजा है। एक तो लेन खोली हुई है, बाकी सारी बंद है। बाकी सारी बंद है, एक लेन अभी इन्होंने खोली हुई है। तो अभी बस आप साथ रहें, आगे देखते जाएं क्या क्या हो रहा है। शाम कोर्ट का जो शाम है कोर्ट पे उन्होंने कहा फॉग की वजह से बंद है आगे मोटरवे, तो आप लोग अभी इधर इंतजार करें। शाम कोर्ट से एग्जिट होते हैं फिर देखते हैं। अभी फॉग की वजह से आगे फॉग है फैसलाबाद वाले रास्ते पे, इस वजह से इन्होंने बंद की हुई है मोटरवे।
अब देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में खुलती है। धूप तो खैर निकली हुई है। ये जी शामकोट टोल प्लाजा है। यहाँ से जो है अभी हमने मोटरवे एग्ज़िट किया है, और एग्ज़िट करने की वजह जो थी वो हमारी ये थी कि इससे आगे जो फर्दर फैसलाबाद की तरफ जो मोटरवे जा रहा है उस पर डेंस फॉग है, जिसकी वजह से मोटरवे जो है आगे बंद है, और जो है यहाँ से सारी गाड़ियों को मोटरवे वाले जो है एग्ज़िट करा रहे हैं। तो और आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट पर ये काफ़ी सारी ट्रैफिक की लाइन्स हैं, ये वो इस तमाम गाड़ियाँ हैं जो मोटरवे खुलने के बाद मोटरवे चढ़ेंगी। तो उनमें से एक हम भी हैं, और हम भी इस वक्त जो है तो कहते हैं कि हम भी जो है इस वक्त इसी मोटरवे का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खुले, तो फिर जो है हम मोटरवे चढ़ें। बाकी ये नॉर्मल जीटी रोड है, और माशाल्लाह से जीटी रोड पर तो जिसे कहते हैं कि 3 घंटे का सफ़र जो है वो 10 घंटे में होता है। बहरहाल हम लोग भी फ़िलहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं मोटरवे खुलने का। मोटरवे वालों से हमने पता किया है तो कह रहे हैं कि सूरज तो वैसे नॉर्मली निकला हुआ है, तो ये वो ये उनका कहना यही है तकरीबन आधे से पौने घंटे तक जो है वो मोटरवे खुल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल फ़िलहाल जो है वो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, और ये तमाम गाड़ियां भी जो हैं वो वेटिंग पे हैं। मोटरवे बंद है फॉग की वजह से, और अल्लाह जाने कब तक बंद रहेगा। तो ये अभी हम जीटी रोड पे टुवर्ड्स साहिवाल चल पड़े। अब देखते हैं इस पे चीचावतनी से भी फैसलाबाद को रास्ता जाता है, चीचावतनी कमालिया, वहाँ से टोबा टेक सिंह, और उधर से भी मोटरवे को टच करता है M4 को। फिर अगर टोबा टेक सिंह नहीं जाते तो गोजरा से कमालिया, गोजरा से भी टच करता है M4 फैसलाबाद वाले को। गूगल पर जो हम देख रहे हैं तो वहाँ सारी रेड लाइन आ रही है टोबा के उधर भी और गोजरा के उधर भी। से भी है ये लाहौर वाला है। अब देखते हैं क्या होता है, चल तो रहे हैं ताकि खड़े होने का तो फायदा कुछ नहीं है, इधर वेट में लगे रहे। यहाँ तकरीबन हम आप ये समझे कि पौने घंटे से खड़े हुए थे, ये शायद सच कोई फायदा तो नहीं था वहाँ पे खड़े होने से। जी इससे बेहतर है कि हम जो है वो जीटी पर ही कुछ ना कुछ तो बस अब चल पड़े वहाँ से, देखते हैं। अभी कोशिश हमारी यही है कि चीचावतनी से हम कमालिया और उस साइड से मोटरवे चढ़ते हैं। हटा देना ये, अभी हम मियाँ चुन्नू जो है वो मियाँ चुन्नू बाईपास से गुजर रहे हैं, और दोनों आपके सामने हैं लेफ्ट साइड पे। काफ़ी धूप है, अब हमने वही कहा कि जीटी रोड से चलते हैं और इधर से कोशिश करते हैं, देखते हैं चीचावतनी से हम जा पाते हैं फैसलाबाद या फिर साहिवाल से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो कितने टाइम में वो मोटरवे खोलते हैं, कितने टाइम में नहीं खोलते हैं। तो इससे बेहतर यही है ना कि बंदा जो है वो जीटी से ही जाए। जी रखे हमारे साथ, देखें। ये चीचावतनी बाईपास है, चीचावतनी बाईपास से गुजर रहे हैं हम और साहिवाल की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि गूगल अभी भी चीचावतनी की साइड से जो मोटरवे टच हो रहा है उसको रेड बता रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से जाएं और उधर जाके फिर वेट करना पड़े, तो बेहतर यही है कि साहिवाल से फिर फैसलाबाद निकलते हैं, तो आपको फिर अपडेट देते रहते हैं। ये सरसों का खेत है, मस्टर्ड फील्ड्स। साइड तक भी है तकरीबन। अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और फैसलाबाद फाइनली हम कुछ ना कुछ करके अल्लाह अल्लाह करके फैसलाबाद पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और अभी जो है हमने दोपहर का खाना खा लिया है फैसलाबाद में,
थोड़ी देर तक यहाँ से चलेंगे। तुमने खाया है बाकी नहीं खाया तुमने बाकी सब तो ये वीडियो बना रहा था इसने नहीं खाया ये वीडियो मैंने खाया वीडियो में डालते हैं आज खाना करते हैं ये फैसलाबाद जी हम आए और यहाँ पर जो है फिलहाल अभी हम स्नो चेन्स के साथ कुश्तियाँ लड़ रहे थे। फाइनली ये स्नो चेन हमने जो है गाड़ी के टायर पे चढ़ा ली है कुछ ना कुछ करके और ज़रा सीख भी रहे हैं आगे स्नोई एरियाज़ के लिए कि कैसे चढ़ानी है ये चेन्स। बाहर फिलहाल तो अभी ये प्रॉपरली चढ़ चुकी है आप देखें बिल्कुल जो है ये प्रॉपर्ली चढ़ गई है। देखते हैं आगे क्या सीन है। फैसलाबाद ख़ास तौर पे स्नो चेन्स लेने के लिए आए थे हमने। ये स्नो चेन्स वगैरह जो है लग रही हैं अभी ना ये अपनी करोला में फ्रंट के पहले से मेन जो है लॉक्स ले लें ठीक है लॉक लेना इसके पीछे लगा की लाइन में लानी है यहां ये टायर के ऊपर आगे लॉक करो सब सिखा देना स्नो चेन लगाने का तरीका आप बता भी देना मिलेगी कहां से कितने की हां ये भी बता देना ये इमरान भाई ये फैसला वाले से इमरान भाई फैसला वाले से इन्हीं से जैपनीज स्नो चेन मिलती है लेकिन ये तो टायर के ऊपर जा ही नहीं रही अब पीछे से खड़े करो ना बैक साइड से टायर के ऊपर लगानी है टायर के पीछे बैक साइड लगानी है यहाँ अब एक मिनट अब ये जो सारी है ना इसकी इधर से गुजार ये इधर से सारी खेचो येलो वाली जो होती है ना वो डालोगे हाँ ये इसको इसको ना ये समझ लो ये रिंग पीछे है ना पूरे वायर का जी इस लेवल पे है ना टायर के पीछे रिम और स्क्रीन की थ्रेड में स्क्रीन ऑन कर रहा हूं थोड़ा लूज कर दूंगा आगे नहीं पीछे लॉक हो गया एडजस्टेबल है अच्छा सी मेड में नहीं आएगा ठीक है पूरी रिंग में पूरी रिंग में आएगा थोड़ी सी आगे चले गाड़ी अब ये देखो ना ये वाला जो है ना आपस में थोड़ी सी और अब ये जो है ना हमारी ये इसमें ये जो चीज है ना सारी ये फ्रंट पे आनी है ये टायर के चलने वाली जगह है और इसको इससे बांध देना अब ये जो है बेसिकली ये चीज जो है ना ये है इसको टाइट करने के लिए ठीक है ये इससे इसमें से गुजारो पहले एक रेड में से इसको थोड़ा सा लूज रखो ताकि इधर से हमने
इसको इधर से भी कर लो। ये असल में सेंटर पे आती है, उसके थोड़े से आउट है मोबाइल वाले सेंटर से, वो तो सेट करनी होती है ना। आपने इसको बैलेंस करना है, पीछे मैं बता रहा हूँ, आगे वो तो जल्दी नहीं, यहाँ पे आनी चाहिए। रेंज जो है वो पर इसके और इसके दरमियान में आता है यहाँ। सही सही, ये है कौन सा? 6789 ये 8 8। ऐसे गुजार के उसी को करने देना ना, ना इतना वो खुद हाथ से टाइट कर ले। ये अब इसके रिंग टाइट को ना, ना मैं छोड़ देता हूँ, मैंने किया तो नहीं अभी लो। अरे हाँ, उसको एक दफ़ा जहाँ से छोड़ा था वहीं से उसको कहेंगे एक दफ़ा कर ले। ये सारा मैकेनिज्म अगला जो है ना तुमने वो खुद करना पिछला। बस 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 क्यों करो? नहीं उस हाल से छोड़े ना जहाँ पे उसको मिलना है। सबसे पहले जो है हमने टायर के पीछे से पकड़ो, पहले टायर के पीछे से ऊपर से लाओ, ऐसे रिंग लेके आने ऊपर टायर को पकड़ा रहे ना। ये वाला जो है ना वो उसके अंदर डाला, पीछे 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 सिल्वर में और पीछे ताकि टाइट हो। अच्छा इसमें और पीछे एक स्टेप और पीछे कर लो। वो मैंने कहा ना वो मोटरवे की गाड़ी ये, लेकिन ऐसे नहीं डलेगी। इसको मैंने बताया था कि इसको करके ये इसको इधर ले लो, एक साइड पे हो गई ठीक है। अच्छा 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 जगह बन गई, ये जगह बन गई। अब ये इसकी है टाइट करने वाली। इसको इसमें जो इसको इसके बीच से निकालना होगा पहले, तो निकालो ठीक है। ये लॉक है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे करोगे तब ये मूव करेगा। ये टेलीपोर्ट का उसमें कीवर्ड डालने देगा ऊपर आएगा। इसको यहाँ से जितना टाइट करना है उस लेवल पे इसको ठीक है, इसको जितना टाइट करना है उस लेवल पे इसको फंसा देना। और यहाँ पर इसको हम फंसा देंगे। 4x4 वाली बड़ी अच्छी होती है भाई, सीधी सीधी ऐसे बिछा दो टायर की सीट पे, गाड़ी जाके सेंटर में रख लो। नहीं 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 उनकी स्पेस सिर्फ ज्यादा होती है बस, वो इससे मुश्किल है। आज पे ज्यादा होती है, आज पे ज्यादा होती है। उनके फ्रंट के लॉक नहीं होता, और रस्सियों से टाइट कर रहे होते हैं फ्रंट का होता है। ये मैकेनिज्म दूसरा है, ये इस पे अपने टायर नहीं खोलना, गाड़ी उठानी नहीं है। ये कई बार तो आपको गाड़ी मूव ही नहीं करनी होती, अभी जो नहीं करनी पड़ी आपको इस टाइप के लिए। हाँ अभी तो ये थोड़ा सा चलेगी ना तो वो फिर पता अच्छा है। इसको अपने रोड पे नहीं चलानी है, टायर खराब करेगी। क्योंकि कुशन होगा नहीं नीचे, ये है टायर नहीं है वहाँ क्या करें मतलब। इतनी ज्यादा हाइट नहीं है इसकी, मतलब ये अब इंस्टॉली है अगले टूर से नहीं आता। अरे लॉक कर लो पानी ये ऊपर भाई है हमारे परफ्यूम मैक्स परफ्यूम मैक्स ये साइड दिया है, दूसरे आगे से लॉक ही नहीं होगी चेंज। अच्छा नहीं यानी मैं कह रहा हूँ जैसे कल को ये 15 वाले उस पर भी चढ़ सकती है, 15 में चढ़ जाएगी, 15 में थोड़ी सी लूज होगी। ये जरा बड़े साइज वाली, ये 17-16 वाली ऐसे ही करना है ना। हां ऐसे करके और नीचे वाली चेंज के बीच में आ जाओ ले। ठीक है
ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜਲਾ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ इसको अब दोबारा नहीं खोलना रास्ते में जाते हुए ना बाहर खिड़की खोलना ये केस बड़े नाजुक दिन है इन्होंने ये केस इनके अपने हैं ही नहीं अच्छा ये तो खत्म और टूट जाते हैं उस बंदे के पास है ना उसे निकलवाए यार इस केस में साथ अच्छा नहीं तो ये केस ही जिस तरह ही आती है ना ये तो और नाजुक इसका तो लॉक भी टूट गया केस बड़ा है लेकिन इसके लॉक नहीं है एक ही है नहीं नहीं एक उधर एक उधर उधर से ले आओ डब्बे में नहीं बंद होगी ऐसे उठा के डिग्गी में रख दे ये दूसरा पेन ये किस साइज का है एक में रख तीन और फैसलाबाद से चल पड़े हैं हम लोग फ्यूल हमने टॉप अप कर लिया है और अब हम मोटरवे पहले चढ़ेंगे और उसके बाद कलर धार से होते हुए तरबेला की तरफ जाएंगे थोड़ी फॉग है इस वक्त आपको दिख रही होगी अभी मोटरवे पे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है होपफुली खुला हो सर्दी तो है बस फॉग नहीं है आगे फिर अपडेट आपको देते हैं ये अभी हम फैसलाबाद से टूवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ थे तो रास्ते में सर्विस एरिया पर ये भेरा है भेरा लोकेशन है यहाँ पर हम लोग रुके हैं ज़रा वॉशरूम वगैरह से हो लें और ताकि ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं तो यहाँ पे ये है कि सर्विस एरिया पे काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं ग्लोरिया जीन्स है मैकडोनल्ड्स है KFC हार्डीज ईच एंड एवरी थिंग आई थिंक सब कुछ ही यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर ईच एंड एवरी थिंग काफ़ी कुछ है और अच्छा खासा बड़ा बना हुआ है ये तो ये तो खैर हम इस कोने पे हैं लेकिन ये है कि अच्छा खासा ये बड़ा बना हुआ है ये बस है बस के पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बस के पीछे जो है वो भी काफ़ी सारी जो है वो शॉप्स हैं सिर्फ खाने वगैरह की नहीं बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं ये बसों के इंजन्स की साउंड है ये जो है ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं आगे ये सारी नॉर्मली ये बन रहे हैं ₹560 लगे हैं यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद टोल प्लाजा है ये से हम आए थे लाहौर इस्लामाबाद और वाला मोटरवे जो है M2 उससे एग्ज़िट हुए हैं अब ये इस्लामाबाद टू पेशावर जो है ये M1 का
M1 पे अब हम आ गए, ये M1 and now we are heading towards तरबेला. यहाँ से तरबेला के लिए एग्जिट होंगे. यहाँ देखते हैं जी कितने पैसे लगते हैं. ये अभी हम उमानिया रेस्टोरेंट पर आए हुए. ये पड़ता है जब आप पेशावर से अगर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे वाया जीटी रोड तो ये जो है रेस्टोरेंट आपके लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा. उमानिया नाम है इस रेस्टोरेंट का और आई थिंक इस एरिया में यू कैन से के इट इज़ द बेस्ट. और ख़ास तौर पे इनका जो स्टीम रोस्ट है वो हाईली रिकमेंडेड है. और उसके साथ साथ इनका ब्रेन मसाला प्लस और क्या कहते हैं कि इनकी जो हांडी है वो भी रिकमेंड होगा. बाकी वैसे भी ओवरऑल रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और रेट्स वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी मुनासिब है. और फिर हमने ये भी सोचा कि अभी तकरीबन वक्त हो रहा है तकरीबन 10 बजने वाले हैं तो हमने ये सोचा कि अराउंड जिस टाइम तक हम तरबेला पहुँचेंगे 10:30 बजे तक तो तरबेला में एज सच कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे विलेज वगैरह गांव वाला हिसाब है तो उस वजह से लोग जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं तो जिसकी वजह से तमाम चीज़ें तमाम दुकानें जो हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं. तो फिर हमने यही सोचा कि हम आज का जो हमारा डिनर है वो इस रेस्टोरेंट से करें. करके